बेटी, तुमसे बातें करने को जी चाह तो चली आई। ये घर खाने को दौड़ता है, ना सरफराज रहता है ना अकरम। कोई बातें करना चाहे तो किसके साथ करे, रहे हम दोनों। हम दोनों अगर बातें करके गुजारा कर सके तो कितना अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा जी? अरे यूं गैरों की तरह क्या देख रही है? मैं तुम्हारी फूफी सास हूं, तुम्हारी माँ जैसी। हाँ याद आया, अभी मैंने अकरम को देखा, वो चला भी गया। फौरन जाना था तो आया क्यों था? जी उनके कुछ जरूरी पेपर्स रह गए थे, उन्हें लेने आए थे। जब भी सोचती हूँ अपने आप को मलामत करने को जी चाहता है। तुम कितनी सीधी सादी भोली भाली, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है मैंने, मुझे माफ कर दो बेटी। क्या देख रही हो, अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? मैं तुम्हारी माँ न सही, माँ जैसी तो हूं। जी फूफी जान। बेटी तुम बहुत बड़े दिल वाली हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बाल बना दूं तुम्हारे? जी नहीं, मैं कर लूंगी। बेटी क्या तुम्हारी माँ पूछती तब भी तुम मना कर देती? मैं बाल बना दूं तुम्हारे, मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, आज से तुम मेरी बेटी। बैठो। अपने ऑर्डर्स के सैंपल्स देखकर आ रही हूँ, उन्हें अप्रूव भी कर दिया मैंने। वेरी गुड, बस तो फिर समझ लीजिए कि ऑर्डर पूरा कर दिया जाएगा और कंसाइनमेंट भी वक्त से पहले ही भेज दिया जाएगा। गुड, वेल आज का काम तो हो गया, मुझे चलना चाहिए। वैसे लंच टाइम भी होने वाला है, अगर आप मुनासिब समझे तो लंच करके जाइए। गलती से शायद बुक में रह गए थे। मैं ये बुक ले जा रही हूँ, पढ़कर वापस कर दूंगी। ओके बाय, सी या। खाने की खुशबू मेरे कमरे तक आ गई। क्या बना रही हो? आज मैं आपका मनपसंद खाना बना रही हूँ, यानी पालक की सब्जी। पनीर डालना नहीं भूलना। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, कितना ख्याल रखती हूँ मेरा। जीती रहो बेटी। अच्छा मेरा एक बहुत जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। फूफी जान मैं सब्जी बना लूँ फिर आ जाऊंगी? आज धीमी कर दो ना, चलो। इतना जरूरी काम है? बहुत जरूरी है। ठीक है चलो चलिए बैठो। ये कागज और पेन। क्या लिखना है? मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मेरा एक काम कर दो, खत लिख दो। किसे लिखना है? मेरी ननद को। आप फोन कर लीजिए। वो गांव में रहती है, गरीब है बेचारी, आसपास के 4-5 घरों तक फोन नहीं है। अच्छा चलिए बोलिए। लिखो, मेरी प्यारी ननद साहिबा की खिदमत में सायरा का प्यार भरा आदाब व सलाम। बात सलाम मालूम हो कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदा बंदे करीम से नेक चाहती हूँ। लिखा जी फूफी जान, कहिए। लिखो, यहाँ मेरी बहू हीना मेरा बहुत ख्याल रखती है, हर वक्त मेरी खिदमत में जुटी रहती है।
खुदा ऐसी नेक बहू सबको दे दे। रुक क्यों गई, लिखो। जीनत कैसी है जरूर लिखना, उसे मेरा ढेरों प्यार दे देना। फूफी जान, आप रो क्यों रही हैं? जीनत का ख्याल आया तो रोना आया। बेचारी बहुत छोटी सी थी जब उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। माँ बेचारी सिलाई कढ़ाई करके जैसे तैसे बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अब बेटी सयानी हो गई है और माँ बूढ़ी, मुश्किल से खुद का गुजारा कर पाती है बेचारी। अपनी बेटी का पेट कहाँ से पालेगी वो? मेरी नियत थी उसे यहीं बुला लूं, उस बेचारी माँ का बोझ थोड़ा तो हल्का हो जाए। आप बुला क्यों नहीं लेती? दबे लफ्जों कहा था सरफराज से, मगर वो खामोश रह गया। शायद उसे गवारा नहीं, और वो गवारा करे भी क्यों, वो क्या लगती है सरफराज की? ये घर कोई यतीम खाना तो है नहीं जो उस यतीम बच्ची को पनाह दे दे। मैं बात करूंगी अबू से, मैं मना लूंगी उन्हें। जीनत इस घर में जरूर आएगी। मैं सब्जी देख कर आती हूँ।